सामने आ रही है वो बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और बताया ये जा रहा है कि 6 बजे का वक्त है जब राज्यपाल से मुलाकात होगी और यहाँ पर सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश करेंगे योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, 273 विधायकों के समर्थन के साथ यहाँ पर सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया जाएगा योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जो वक्त है वो शाम 6 बजे का बताया जा रहा है। बीजेपी के 255 विधायक हैं और जो बाकी अन्य सहयोगी दल है जिसमें निषाद पार्टी है, अपना दल एस है, इनके भी जो विधायक है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इसी के साथ यहाँ पर सरकार बनाने का दावा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पेश किया जाएगा। बड़ी खबर विवेक। बिल्कुल, शाम 6 बजे आपसे कुछ देर के बाद जब योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचेंगे, हो सकता है कि उनके साथ अमित शाह भी जाएं, हो सकता है उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी जाएं, कुछ बड़े जो पर्सनैलिटी हैं, जो बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, वो उनके साथ जाएं और राज्यपाल के साथ मिलकर, आनंदीबेन पटेल के साथ मिलकर दावा पेश करें सरकार बनाने का, क्योंकि उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और प्रचंड बहुमत इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को दिया था और अब उनको जब विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, जिसकी पूरी संभावना थी, औपचारिक ऐलान होना बाकी था और वो भी हो चुका है, और अब से कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ तमाम बड़े नेताओं के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे, उन्हें सरकार बनाने का दावा उनके सामने रखेंगे और उसके बाद कल जब शपथ ग्रहण समारोह है तो तमाम औपचारिकताएं होनी जरूरी है 6 बजे की, यानी कि कुछ ही देर में। पवन, 6 बजे राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं सीएम योगी, यानी कि अब कुछ देर में डिप्टी सीएम का भी नाम का ऐलान होने वाला है। हाँ बिल्कुल, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था वो बिल्कुल, इस लोकभवन में बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ राजभवन जाएंगे। एक बात और है कि जो तमाम जो विधायक हॉल में बैठे हुए हैं, जब समर्थन की बात आई, प्रस्ताव पेश किया गया, एक स्वर में सभी लोगों ने हाथ उठा करके समर्थन किया। विशाल, क्या नज़ारा था, क्योंकि वहाँ से जो खबरें आई हैं कि सभी जो विधायक थे एक स्वर में एक साथ हाथ उठा करके योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे जो मोहर लगाने की बात थी उसको मुकम्मल किया। देखिए बिल्कुल, आज अभी आपको बता दूं कि सुरेश खन्ना जैसे ही प्रस्ताव रखा है विधायक दल के नेता के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को चुना गया है, तो सभी विधायकों ने अपने दोनों हाथ उठाकर, उनमें से कई विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। मतलब साफ है कि अब चूंकि लगातार जो औपचारिकता है वो पूरी की जा रही है और बस काउंटडाउन शुरू हो गया, अगले कुछ मिनटों के। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं, ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपके जरूरत की सभी खबरें।